नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन के रूप में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही दोस्तों, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों के अपडेट आगे भी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। पार्टियों की आमदनी में जबरदस्त इजाफा है, बीजेपी की आय 134% तो कांग्रेस की आय 361% बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियों के बही खाता भी सामने आ गए हैं। राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में 2018 और 19 की ऑडिट में सभी राष्ट्रीय दलों की इनकम में इजाफा हुआ है। बीजेपी की 2018 और 19 की कुल आय 2410 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि 2017 और 18 में 1027 करोड़ रुपए से 134% ज्यादा है। इसी तरह से कांग्रेस की आय में भी बड़ा इजाफा देखने को मिल। कांग्रेस को 2018 और 19 में 918 करोड़ रुपए की आय हुई है, जो कि पिछले साल के तुलना में 361% ज्यादा है। जी हां दोस्तों, दोनों ही पार्टियों की इनकम में जबरदस्त इजाफा यहां पर देखने को मिला है। दिल्ली में सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं करेगी भाजपा, बिजली और पानी होगा 5 गुना सस्ता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीते कई दिनों से दिल्ली में सीएम पद के उम्मीदवार की तलाश कर रही भाजपा आखिरकार इसमें नाकाम रही। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा अभी नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसी के साथ ही पिछले कई दिनों से भाजपा के अंदर से ही जो कई नाम इस पद के लिए सामने आ रहे थे, उन सभी अटकलों पर फिलहाल के लिए अभी विराम लग चुका है। हालांकि भाजपा द्वारा सीएम के नाम की घोषणा नहीं किए जाने से उसके लिए एक बड़ी विफलता साबित हो सकती है। वहीं बिजली और पानी 5 गुना सस्ता होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार आती है तो बिजली और पानी 5 गुना सस्ता होगा, साथ ही कई सुविधाएं फ्री में देगी। किसी भी बैंक के एटीएम में जमा कर सकेंगे नकदी, एनपीसीआई को लेकर आ रही है यह खास सुविधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जल्दी किसी एक बैंक के ग्राहक दूसरे बैंक की शाखा या फिर एटीएम में कैश जमा करा सकेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। एनपीसीआई ने इसके लिए देश के सभी बड़े बैंकों को इस बारे में प्रस्ताव भेज दिए हैं। एनपीसीआई का कहना है कि इससे नेशनल फाउंडेशन स्विच के जरिए ऐसा किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को भी ऐसे ही लागू किया गया था। इस नई तकनीकी को बैंकिंग टेक्नोलॉजी विकास और शोध संस्था ने तैयार किया है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद कैश परिचालन की लागत में बहुत ही कमी आ जाएगी, जिसका फायदा पूरे बैंकिंग सिस्टम को मिलेगा। एटीएम में कैश डिपॉजिट होने से बैंक के साथ ही ग्राहकों को भी फायदा होगा। जो पैसा एटीएम मशीन में जमा होगा उसका इस्तेमाल निकासी के लिए भी किया जा सकेगा। ऐसे में बैंकों को बार बार मशीन में कैश डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनपीसीआई ने सभी प्रमुख निजी सरकारी बैंकों से ऐसा करने के लिए कहा है। हालांकि बैंकों को इस सुविधा से जुड़ने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि नकली नोटों की पहचान करना और उसको मशीन से बाहर निकालने की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, जल्दी आपको एक नई सुविधा मिलने वाली है जिसमें आप किसी भी एटीएम में आप पैसे जमा करा सकते हैं, साथ ही आप किसी भी बैंक की शाखा में जाकर आप पैसे जमा करा सकते हैं। ट्विटर लेकर आ रहा है खास फीचर, अब ट्रोलर्स से मिलेगी राहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर जल्दी एक नया फीचर लेकर आ रही है। इस फीचर की मदद से आप किसी भी पोस्ट पर आने वाले कमेंट पर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अब आपके ट्विटर पर भी प्राइवेसी बढ़ जाएगी। अब आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि कौन आपकी पोस्ट पर कमेंट करे और कौन नहीं करे। इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यूजर्स ट्रोलर्स को कंट्रोल कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर जल्दी एक खास फीचर लेकर आने वाला है जो कि जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका के नरम रुख के बाद 1,160 रुपए गिरी सोने की कीमत, चांदी भी 1,735 रुपए लुढ़की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के साथ करीब एक सप्ताह से जारी तनाव के बीच अमेरिका के नरम रुख के कारण विदेश के साथ ही स्थानीय बाजारों में भी सोने में आज भारी गिरावट देखने को मिली है और यह 1,160 रुपए गिरकर 41,170 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 1,735 रुपए लुढ़कर करीब एक सप्ताह के निचले स्तर पर यानी कि 47,825 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव कम होने से आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी की कीमतों में और भी कमी देखने को मिलेगी।
लगातार तीसरे महीने बढ़कर 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे खाद्य पदार्थों के दाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में खाद्य पदार्थों के दाम लगातार तीसरे महीने बढ़कर सितंबर में 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। संयुक्त राष्ट्र की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसके पीछे वनस्पति तेल, चीनी और डेयरी के दामों में हुई तेजी, वृद्धि और अनाजों के घटते दाम प्रमुख कारण रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फूड प्राइस इंडेक्स में अनाजों, तेलों के बीजों और डेयरी प्रोडक्ट, मीट और चीनी के दामों में मासिक बदलाव को मापा जाता है। इसके मुताबिक पिछले महीने सितंबर में इन सभी खाद्य पदार्थों के दाम सितंबर 2014 के बाद से सबसे ज्यादा बढ़कर औसत 181.7 पॉइंट पर पहुंच गए। पूरे साल का औसत इंडेक्स 171.5 पॉइंट पर जा पहुंचा, जो कि 2018 के मुकाबले 1.8% अधिक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सभी खाने पीने की चीजें बढ़ चुकी है और वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से खाद्य दामों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जनगणना 2021 देनी होगी शौचालय, टीवी, वाहन और मोबाइल समेत 31 चीजों की जानकारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में जनगणना 2021 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसकी जानकारी जुटाने के लिए जनगणना कर्मी 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच आपके घर विजिट करेंगे। आपको शौचालय, टीवी और वाहन और मोबाइल समेत 31 चीजों की जानकारी इकट्ठा करेंगे। जनगणना के साथ ही आपसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR की भी जानकारी ली जाएगी। इसे सरकार ने सितंबर 2020 तक तैयार करने का लक्ष्य बनाया। महापंजीयन और जनसंख्या आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक जनसंख्या अधिकारियों ने बताया है कि मोबाइल नंबर सिर्फ जनगणना के मकसद से ही पूछे जाएंगे, उसका अन्य किसी में भी इस्तेमाल नहीं होगा। जनगणना पारंपरिक पेन और पेपर के बजाय मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए होगी। जी हां दोस्तों, इसमें आपसे 31 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके बिल्डिंग नंबर क्या है, आपके मकान की छत, दीवार और सीलिंग में मुख्य रूप से कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, मकान का इस्तेमाल किस उद्देश्य से आपने किया है, मकान की स्थिति क्या है, मकान के नंबर क्या है, वगैरह वगैरह आपसे 31 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके घर में शौचालय है या फिर कितने हैं, इसी के साथ ही आपके घर में इंटरनेट है, टीवी है और या फिर आपके घर में गाड़ी है, दोपहिया वाहन, साइकिल वगैरह, लैपटॉप वगैरह, सभी प्रकार की जानकारियां आपसे मांगी जाएंगी। अगर आप ये पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप इसकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा सर्वे। जी हाँ दोस्तों, आप ये हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप अपने गाँव, जिले या शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे ताकि हम आपके गांव, जिले या शहर की खबरें भी आप तक पहुंचा सकें। तो इसीलिए आप कौन से राज्य में रहते हैं, कौन से जिले में रहते हैं, कौन से गाँव में रहते हैं, फटाफट से आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वोडाफोन आइडिया एयरटेल के साथ साझेदारी कर सकती है चाइना मोबाइल कंपनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी चाइना मोबाइल भारतीय बाजार में एंट्री करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कंपनियों ने भारतीय टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया के साथ मिलकर एक क्लाउड नेटवर्क तैयार करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, एक खबर के मुताबिक मामले की खबर रखने वाले एक शख्स ने बताया है कि चाइना मोबाइल भारतीय बाजार में काफी रुचि रख रही है और यह कंपनी एयरटेल वोडाफोन आइडिया या फिर दोनों के साथ संयुक्त रूप से मिलकर एक होल्डिंग कंपनी की तरह भारत में आना चाहती। चाइना मोबाइल के शीर्ष एग्जीक्यूटिव ने अलग अलग इन दोनों कंपनियों के सीनियर मैनेजर से दिसंबर में मुलाकात की है। जल्द ही चाइना कंपनी भारत में एंट्री करने वाली है, शुरू कर सकेंगे नया बिजनेस। सरकार कर रही है नीतियों में बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब आप जल्दी सिर्फ 5 दिनों में कोई नया बिजनेस शुरू कर सकेंगे। इसमें आपको बहुत अधिक प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना होगा। सरकार नया बिजनेस शुरू करने वालों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए नियमों के तहत बिजनेस शुरू करने के लिए 10 की जगह सिर्फ 5 प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी। इसमें 18 नहीं बल्कि अब आपको 5 दिन ही लगे। जी हां दोस्तों, अगर आप भी कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिए हैं। सरकार अब जो है आपको सिर्फ 5 दिन के अंदर बिजनेस शुरू करने की पहल कर रही है, यानी कि दोस्तों आपको सारी बिजनेस की प्रोसेस करने में सिर्फ 5 दिन का वक्त लगेगा। सरकार ने नीतियों में एक बड़ा बदलाव कर दिया जिससे कि भारत में बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। सरकार असहमति की आवाज दबाने को कश्मीर में नहीं बंद रख सकती इंटरनेट, सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में बिना वजह इंटरनेट बंद रखने के मामले में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट को बंद रखना लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है, ऐसे में इसे बिना किसी जरूरत के इंटरनेट को लंबे समय तक बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 7 दिनों के अंदर समीक्षा करके कश्मीर में इंटरनेट बहाल किया जाए और स्थानीय सरकार
अधिकार और लोक प्रशासक को इसे लागू करने के आदेश भी दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार को 7 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर की समीक्षा करनी होगी और पूरे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की सेवा को शुरू करना होगा। कश्मीर में पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, मोदी सरकार के लिए 2020 का पहला बड़ा झटका कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में जारी पाबंदियों से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को मोदी सरकार के लिए वर्ष 2020 का पहला बड़ा झटका करार दिया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह स्मरण कराया गया है कि देश उनके सामने नहीं बल्कि संविधान के समक्ष झुकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की गैर कानूनी गतिविधियों को यह कहते हुए पहला बड़ा झटका दिया है कि इंटरनेट की आजादी एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को याद दिलाया गया है कि राष्ट्र उनके सामने नहीं बल्कि संविधान के सामने झुकता है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस के तेवर भी तीखे होने लगे हैं। बर्फबारी से पहाड़ों पर लगा जाम, IMD ने भारी बारिश और घने कोहरे की दी है चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत अभी बारिश और बर्फबारी के रडार पर बना हुआ है। पहाड़ों पर मौसम की सबसे अच्छी बर्फबारी हो रही है, इससे पहाड़ी राज्यों में कई रास्ते भी बंद हो गए। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी यानी कि NCR में गुरुवार को कोहरा छाया रहा, लेकिन एयर क्वालिटी में सुधार देखा गया। इसके बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार क्षेत्र में घना कोहरा छा सकता है। वहीं दिल्ली में सुबह बारिश हुई थी जिससे 31 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार देश के कई हिस्सों में जो है ओले और बारिश के अगले 24 घंटों में चेतावनी दी गई है। साथ ही भारत में जो है कई स्थानों पर जैसे कि पंजाब हरियाणा में और वहीं पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर से छा सकता है। अगले 24 से 48 घंटों में उत्तर भारत में अच्छी खासी बरसात हो सकती है। साथ ही पूरे उत्तर भारत में जो है एक बार फिर से शीतलहर का प्रकोप छाया रहेगा जिससे कि सर्दी एक बार फिर से बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ सकती है। KYC के लिए नहीं लगाने होंगे बैंक के चक्कर, RBI ने बदला वेरिफिकेशन से जुड़ा बड़ा नियम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि RBI ने KYC के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इन नए नियमों के तहत अब KYC कराना और भी आसान हो गया। अब बैंक वीडियो के जरिए अपने ग्राहकों की KYC करा सकेंगे, यानी कि अब आपको KYC कराने के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं होगी। अब कहीं भी बैठकर आप वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यानी VCIP के जरिए वेरिफिकेशन करा सकेंगे। जी हां दोस्तों, RBI ने जो है वेरिफिकेशन से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब आप अपने घर बैठे हुए भी अपने खाते की KYC जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवा सकते हैं। फिर बड़े पेट्रोल और डीजल के भाव, कच्चे तेल की तेजी पर लगा है ब्रेक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। इन हालातों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों के भाव 4% तक कम हो चुके हैं, हालांकि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं। तेल विपणन कंपनियों ने दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल के दामों में 7 पैसे, कोलकाता में 6 पैसे, वहीं चेन्नई में 8 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। इसी तरह से डीजल के भावों में भी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में 15 पैसे जबकि कोलकाता में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 75 रुपये और 81 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसी के साथ ही दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 68 रुपये और 94 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में और भी कमी देखने को मिले क्योंकि कच्चे तेलों के दामों में ब्रेक लग चुका है जिससे कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में और भी कमी आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट, मुख्य जानकारी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर ऑन करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए चाहिए।